हमीरपुर जिला के द मैग्नेट पब्लिक स्कूल में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एलकेजी से पांचवी कक्षा तक के बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में टी आर शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। स्कूल के प्रधानाचार्य अरुण चौहान ने मुख्य अतिथि को शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी, जिन्हें देखकर दर्शक दांतों तले अंगुली दबाने के लिए मजबूर हो गए। हमीरपुर जिला के द मैग्नेट पब्लिक स्कूल में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एलकेजी से पांचवी कक्षा तक के बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में टीआर शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। स्कूल के प्रधानाचार्य अरुण चौहान ने मुख्य अतिथि को शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी गई, जिन्हें देखकर दर्शक दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो गए। स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा कि बच्चों को पूरे साल भर इस दिन का इंतजार रहता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन करने से बच्चों को अपनी प्रतिभा निखारने के लिए एक मंच दिया जाता है, ताकि बच्चे अपने अंदर छिपी प्रतिभा को सबके सामने दिखा सकें। आज एनुअल फंक्शन है, तो उसके लिए बच्चे जो हैं बहुत एक्साइटेड हैं, उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, ये बच्चों का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। बच्चे साल भर से इस इवेंट का इंतजार कर रहे होते हैं, और आज हम लोग जैसे ये जो इवेंट है, ये नर्सरी से फिफ्थ क्लास तक का इवेंट है। इसमें हम चाह रहे थे कि क्योंकि पहले हम लोग एक ही इवेंट करते थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने इवेंट को ब्रेक किया हुआ है। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा अलग अलग जो उनमें प्रतिभाएं हैं, वो स्टेज पे अपने पेरेंट्स को, हम टीचर्स को दिखाएं। तो इस करके हम लोगों ने अलग अलग करके ब्रेक करके इवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं इस बार। अच्छा सर, आप इस स्कूल को स्टार्ट हुए कितना टाइम हो गया? ये स्कूल 2014 से शुरू हुआ है, मतलब ये हमारे मतलब 5 साल कम्प्लीट हुए हैं, छठा साल है ये ना। तो आप किसने मोटिवेट किया आपको कि आप स्कूल चलाओ? मतलब ऐसे नहीं, ऐसे मोटिवेशन तो कोई नहीं थी, क्योंकि हम लोग एजुकेशन फील्ड में थे पहले से, फिर थोड़ा मौका मिला और सिलसिला चलता गया और आज मैग्नेट बन गया है। जो नेक्स्ट बाकी बच्चे उनका कब है फिर? उनका इवेंट शायद हम लोग नेक्स्ट वीक करने वाले हैं एक्चुअली, अगर वेदर देख रहे थे हम लोग, अगर वेदर कंडीशंस ठीक रही तो नेक्स्ट वीक हम लोग कर लेंगे उसको ना। सर, इसमें चीफ गेस्ट कौन है? आज हमारे चीफ गेस्ट श्री टी आर शर्मा जी हैं, वो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, और मुझे मौका मिला था उनके साथ काम करने का एक संस्था में, तो मेरा बड़ा अच्छा अनुभव रहा था। बहुत विद्वानी है वो, बहुत अलग तरीके से सोच लेते हैं, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि हमारे बच्चों के बीच सर आएँ, बच्चों को आशीर्वाद दें, उन्हें मोटिवेट करें। तो वो अलग शख्सियत हैं, एक मेरी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत है उनकी। सर, आप जो बच्चे हैं उनको क्या फैसिलिटी दे रहे हैं आप? मैम देखिए, फैसिलिटीज़ तो ऑलमोस्ट सारी हैं अगर हम अपने स्कूल की बात करें। हाँ, हमारे स्कूल में एक डिफरेंस ज़रूर है, जिसको मैं बोलूँगा कि शायद बाकी स्कूलों में नहीं होता है। हम पर्सनालिटी बिल्डिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप देखेंगे अभी इवेंट में जब बच्चे भी यहाँ अलग अलग परफॉर्मेंसेस देंगे, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट लेवल पे रहता है। और आज की रिक्वायरमेंट है कि हम पर्सनालिटी जैसे इशू पे बहुत ज़्यादा काम करें, मॉरल वैल्यूज़ पे बड़ा ज़्यादा बच्चों को लेके जाएँ, वो सब करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। जी सर। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो एनुअल फंक्शन करवाते हैं उसका मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव एक्चुअली एक मंच देते हैं हम बच्चों को बड़े लेवल पे, पेरेंट्स भी आते हैं, पेरेंट्स भी देखते हैं कि क्या है। हम पूरे साल भर की जो गतिविधियां हैं वो हम पेरेंट्स को बताने की कोशिश करते हैं। फिर पेरेंट्स सभी जितने भी बच्चे हैं, अपने बच्चे को तो देखते हैं, लेकिन उसके अलावा भी और भी जो बच्चे हैं उन सब बच्चों को वो देखने की कोशिश करते हैं कि स्कूल किस तरीके से बच्चों के सर्वांगीण विकास है उसके लिए कार्यरत है, वो सब चीज़ें रहती हैं। आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को यही मैसेज देना चाहूँगा कि क्योंकि हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड हैं, बच्चों में बहुत टैलेंट होता है। मैं पेरेंट्स को और जितने भी लोग एजुकेशन से रिलेटेड हैं सभी को बोलूँगा कि उन बच्चों का पोटेंशियल बाहर निकालने की कोशिश करें। माँ बाप को यही है कि बच्चों को ना निखारने की कोशिश करें, क्योंकि धीरे धीरे टाइम ऐसा हो गया है कि बच्चे फंसते जा रहे हैं। तो अगर हम लोग जैसे एजुकेशन में जो लोग हैं, हम लोग हैं, पेरेंट्स हैं, अगर हम मिलके कुछ अच्छा करें तो हमारे देश के जितने भी बच्चे हैं वो बहुत आगे निकल के जाएंगे। पोटेंशियल बहुत है बच्चों में।